रात में सोते समय जब आप सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, उसी समय सूरज की गहराई का पता लगाने के लिए किसी ने अपना सफर शुरू कर दिया। 12 अगस्त को नासा का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन टच द सन सूरज पर रवाना हो गया। यात्रा करते समय इस यान के जहन में कई सारे सवाल होंगे जो उसे वहां पहुंचने के बाद ही मिलेंगे। पार्कर सोलर प्रोब दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जो सूरज से बात करने गया है। उससे पहले जितने भी मिशन सूरज पर गए वो कभी सूरज के सामने खड़े भी नहीं हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा मिशन है जो सूरज को छूने गया है। इस मिशन का नाम है टच द सन, जो 1.5 अरब डॉलर यानी 10,550 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कार के साइज वाला ये यान 4.30 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से सूरज के 24 चक्कर लगाएगा और उसकी स्टडी करेगा। उस दौरान ये यान सूरज की बाहरी परत कोरोना के बेहद ही नजदीक रहेगा। यहाँ एक बात आपको जानना बेहद जरूरी है कि कोरोना का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस है। कोरोना को आप सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही देख सकते हैं। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के इतने ज्यादा तापमान से बचाने के लिए एक 8 फुट की उड़न तश्तरी बनाई है। इस यान को 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया जा सका है, जिसके ऊपर 4.5 इंच मोटी कार्बन फोम की परत है। यान का जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा उस पर सफेद सेरेमिक पेंट की परत चढ़ाई गई है, जिससे ये सूरज की गर्मी को वापस भेज सके। 8 फुट चौड़ाई वाली इस सुरक्षा परत का वजन करीब 73 किलोग्राम है। ये सूरज के भयंकर तापमान और पार्कर प्रोब के बीच मजबूती से बनी रहेगी। इस यान का नाम फिजिसिस्ट यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पर रखा गया है। इन्होंने तारों द्वारा एनर्जी को ट्रांसमिटेड करने की कई थ्योरीज पेश की थी। नासा के इस यान का नाम पहली बार किसी जीवित वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। 91 साल के पार्कर ने पिछले साल इस यान को देखा था, जिसके ऊपर उनके नाम का अंतिम हिस्सा अंकित है। इन्होंने 1958 में पहली बार अनुमान लगाया था कि सौर हवाएं होती हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड की करंट होती है जो सूर्य से निकलती रहती है। जब ये करंट तेजी से निकलता है तो धरती पर कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रभावित होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये एक सबसे बड़ा रहस्य है। ये मिशन इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। 85 दिन बाद 5 नवंबर को ये सूर्य की कक्षा में पहुंचेगा। उसके बाद अगले 7 साल तक ये सूर्य के कोरोना के 24 चक्कर लगाएगा। पार्कर 7,24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाएगा। ये अब तक किसी यान की सबसे तेज रफ्तार होगी। यान की लंबाई 9 फीट 10 इंच है और वजन 612 किलो है। पार्कर प्रोब सूरज की सतह से 64 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ये सूर्य और मरकरी के बीच की दूरी का 10वां हिस्सा है। मरकरी सूर्य से सबसे करीब है। यान भेजने का मकसद सूरज से निकलने वाली हानिकारक रेज और सौर आंधी पर स्टडी करना है। हम जब आग के पास जाते हैं तो गर्मी बढ़ती है और दूर जाएं तो वो कम होती है, लेकिन सूरज के साथ ऐसा नहीं है। वहां इसका उल्टा है। अगर हम सूरज की सतह से दूर जाएं तो इसके कोरोना का तापमान लाखों डिग्री है। अब ऐसा क्यों है, ये तो कोई नहीं जानता। ऐसे ही और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब इस यान को ढूंढने हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट थोड़ा क्रेजी लगता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आग उगलने वाले वातावरण में भी ये यान सुरक्षित रहेगा और इसके अंदर का तापमान केवल 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये यान कैसे सूरज का सामना करने की हिम्मत कर पाएगा। नासा ने इसका सॉल्यूशन निकाला है कस्टम वार्म्थ शील्ड, जिसे थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम या TPS के नाम से भी जाना जाता है। TPS का डायमीटर 2.4 मीटर है। ये 4.5 इंच मोटा है, जिसका वजन 73 किलोग्राम है। इस यान को बनाने में कार्बन कॉम्पोजिट स्रोत का इस्तेमाल किया गया है, जो दो कार्बन प्लेट के बीच मौजूद है। चक्कर लगाते समय इसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहेगा। उस तरफ की प्लेट को मिट्टी के बर्तन जैसे ठंडे पेंट से पेंट किया गया है, जो उसकी तरफ आने वाली हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा। इस तरह अंतरिक्ष यान के उपकरण ठंडे बने रहेंगे और यान को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुछ उपकरण हीट शील्ड की सुरक्षा से बाहर हैं।
फैराडे कप नाम का एक सेंसर इस तरह से डिजाइन किया गया है जो शील्ड से बाहर रहकर कई चीजों का माप लेगा। ये आयन और इलेक्ट्रॉन फ्लो और सोलर विंड के बहने की दिशा की जानकारी देगा। इस प्रोब को तैयार करने के लिए यूनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि ये उपकरण न ही केवल जीवित रहे बल्कि सोलर कोरोना से सटीक रीडिंग भी भेज सके। पार्कर सोलर प्रोब टाइटेनियम जिरकोनियम मॉलिब्डेनम की शीट से बना है जो मॉलिब्डेनम का एलॉय है जिसका मेल्टिंग प्वाइंट करीब 2349 डिग्री सेल्सियस है। सोलर प्रोब कप भी टंगस्टन धातु से बने चिप्स का उपयोग करेगा जो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इसका मेल्टिंग प्वाइंट करीब 3422 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा और भी कई सेंसर हैं जो हीट शील्ड से बाहर अंतरिक्ष यान के किनारे पर जुड़े हैं। इनका आकार हमारे मोबाइल से भी आधा है। ये सेंसर सूरज की रोशनी का पता लगाएंगे और समस्या होने पर सेंट्रल कंप्यूटर को सतर्क करेंगे जिनके सॉफ्टवेयर को ये सुनिश्चित करने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि खुद से अपने आप को सही पोजीशन पर रख सकें जिससे किसी भी उपकरण को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन कोरोना के इतने भीषण तापमान के आगे ये सब उपाय बहुत छोटे हैं, लेकिन पार्कर सोलर प्रोब फिर भी काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे संभव है, तो सबसे पहले हमें इसके विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। तापमान एक माप है कि स्पेस पार्टिकल्स कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हीट ट्रांसफर होने वाली ऊर्जा की मात्रा है। अंतरिक्ष खाली जगह है जहां ज्यादा तापमान का मतलब हमेशा ज्यादा हीट नहीं होता क्योंकि वहां पार्टिकल्स की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं होती। ज्यादा तेजी से यात्रा करने पर भी कम मात्रा में होने की वजह से वो पार्टिकल्स उतनी मात्रा में हीट अंतरिक्ष यान की ओर नहीं भेज पाएंगे। पार्कर सोलर प्रोब 1,50,00,000 सेल्सियस के तापमान वाले कोरोना में दाखिल जरूर होगा, लेकिन हीट शील्ड की सतह केवल 1372 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचेगी। पार्कर सोलर प्रोब अपने साथ 1,100,000 लोगों के नाम लेकर जा रहा है। मार्च में नासा ने लोगों से अंतरिक्षयान के साथ अपने नाम भेजने के लिए इनवाइट किया था। 7 हफ्ते से ज्यादा चली इस प्रक्रिया में कुल 1,137,202 नाम दर्ज हुए। इन लोगों के नाम एक मेमोरी कार्ड में डाले गए हैं जिसे 18 मई को अंतरिक्षयान में लगाया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये यान सूरज के इतने भीषण तापमान में टिक पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।